सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त, आपका होस्ट वापस से आ गया एक प्यारी वीडियो के साथ। आज हमारे साथ देखो कौन सी बाइक है, लेजेंडरी यामाहा R1। साथ में इसका हमने टैंक निकाला हुआ है। ये हम रैप कर चुके हैं, देख सकते हो आप। इसमें एक इसमें ये चीज़ डैमेज थी, मतलब इसका ये लॉक था पूरा, ये हमने प्रॉपर फिक्स कर दिया प्रॉपर। इसमें कई सारी चीज़ें जो अभी करनी है। सबर करो, बहुत प्यारा ब्लॉग बनेगा ये। बाकी दिखाते हैं आपको, हमारे पास दो टैंक पड़े हैं। ये टैंक ख़राब हो चुका है, ये इसका ओरिजिनल टैंक है। हाँ, गंदा हो रहा मानता हूँ, बट इसमें वो रखी है रस्टिंग। सामान लिया है हम रस्टिंग का, जल्दी से साफ करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आपकी बाइक में या किसी भी चीज़ में रस्टिंग लग जाए तो एक WD-40 नाम की चीज़ आती है, बड़ी प्यारी होती है, वो रस्टिंग के लिए होती है। अगर किसी भी चीज़ में रस्टिंग हो जाए तो आप उसको उससे हटा सकते हो। अब दिखाते हैं आपको जल्दी से इसकी रस्टिंग कैसे हटाएंगे। पहले हम डालने वाले WD-40 के चार, देख लो कितने सारे, 1, 2, 3 और ये चौथा, इस टैंक के अंदर रस्टिंग हटाने के लिए। भाई दिखाओ रस्टिंग। अब इस टैंक को थोड़ी देर के लिए सील कर देंगे प्रॉपर तरह से, पन्नी लगा के अच्छे से, जिससे कि इसकी रस्टिंग हट पाए। तो यार, तो आज 2 दिन बाद ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। बाकी इसका काम क्लियर हो गया है। हमने इसमें देखो एक कुछ करा भी है यहाँ पे, इसको हमने ब्लैक कर दिया है, ये सिल्वर था वैसे। बाकी इसका टैंक का अंदर का जंक हट चुका है, होप सो मैं आपको दिखा पाते हैं यहाँ से, बट जंक हट गया है। बाकी इसमें अभी डीजल वॉश करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे इसके अंदर बताता हूँ मैं आपको। डीजल वॉश करा के, अच्छे से फॉर्म वॉश करा के, उसको प्रॉपर तरह सुखा के, फिर उसमें एक बार फुल टैंक भरेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब इसका काम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये रैप कर दिया है, फेयरिंग पूरी खुली हुई है, रैप इसका आ चुका, दिखाएंगे नहीं आपको हम। बाकी इसके टायर भी चेंज होने वाले हैं, स्पेशली ये ठीक करना है। मेन पंगा इसका है ये जिसकी ये चिसी टूटी हुई ना, ये मेन पंगा है इसका। बाकी तो खैर ये तो ठीक हो जाएगा, सिर्फ इसकी बात हो गई है। पर भाई देहरादून में इतने बेकार मैकेनिक है, कई तरह सारे बेकार हैं, पूछो मत। कोई कह रहा है मैं गैस वाले यहाँ पे होते ही नहीं थे। अब मेरे को स्पेशली ये चीज़ दिल्ली भेजनी पड़ेगी राइडर सड्डा के पास। आपको दिल्ली में कुछ भी काम करना हो, राइडर सड्डा के पास जाओ, हमारा नाम लेके डिस्काउंट भी मिलेगा, काम भी बहुत बढ़िया होगा। और हमने एक चीज़ और लगाई है इसमें, देख सकते हो, आपको दिखा दिया हमने पहले भी। बाकी व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, उसको एक बार फॉर्म वॉश और डीजल वॉश करा के आते हैं। तो यार, आज हमारा 4th डे, हमने इसकी फेयरिंग वेयरिंग खोल दिया, देख सकते हो आप लोग, बाइक पूरी खुली पड़ी है। हमने साइड में फ्रेम स्लाइडर लगा दिए, बड़े सेक्सी लग रहे हैं, देख आप ये देखो एक बार भाई साहब, फ्रेम स्लाइडर की लुक देखो कितनी प्यारी हो। टैंक इसका क्लियर कर दिया अंदर से, मतलब जितना हद मैक्स कर सकते थे उतना हद मैक्स क्लियर कर दिया है इसका। बाकी फेयरिंग खोल दी, जल्दी से इसका रैप चालू करते हैं और दिखाते हैं आपको फटाफट इसका रैप करके कितनी प्यारी लगेगी। रिवील नहीं करना यार, तुम लोग यार लाइक नहीं करते, उसके पहले रिवील नहीं करना। जल्दी से इसका रैप हटाते हैं वाला, एंड इसके बाद इसका रैप चालू करते हैं वापस से। तो बने रहिए आप व्लॉग में, आपको दिखाते हैं। तो यार, हमारे जैक समर आ चुके हैं हमारे पास, जिनकी है भाई की बाइक है। तो भाई रैप कैसा लग रहा है? चलो यार रैप दिखाते हैं इनको, ये देखो। ऐसे नहीं दिखाऊंगा यार, ये लोग पूरी वीडियो देखते, फिर ऐसे नहीं दिखाना रैप। तो भाई ये रैप रखा है, ये भी रैप रखा है, ये आपको दिखेगा नहीं कलर, बट आप कलर गेस कर सकते हो। जिसने कलर सही गैस किया उसको 10 रुपये दूंगा पेटीएम। 2 पार्ट हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, तीसरा पार्ट रेडी हो गया करने के लिए, चौथा और वो 5वां मेन। बाकी आगे की फेयरिंग ऐसी की एज इट इज लग जाएगी। आप ब्लॉग में बनाइए, आपको दिखाते हैं बहुत प्यारी तरह से हम रैप कर रहे हैं। साथ में हमने एग्जॉस्ट भी चेंज करने हैं इसके, दिखाएंगे आपको कौन सा एग्जॉस्ट लगाएंगे। अभी आया नहीं है मेरे पास, पहुँचने वाले हैं। बाकी ये देख सकते हो बड़ा सेक्सी यार, कार्बन फाइबर रैप किया है ये, बट बहुत प्यार लग रहा है, आपको दिखा चुके हैं ऑलरेडी। बाकी इसकी टोटल बॉडी भी साफ करेंगे जल्दी से, ये भी लगाया है इसमें, आगे का ये भी चेंज करना है, ये सही करनी है हेडलाइट। काफ़ी काम बचा यार, बहुत बस, कम से कम यार 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं। बाकी अभी आपको रैप करके प्रॉपर दिखाते हैं सारे, जितने भी मतलब पार्ट रैप कर लेंगे आज में। आज का ब्लॉग हम आज ही एंड करेंगे, क्योंकि 3 दिन से हमने ब्लॉग नहीं डाला है, मतलब 3 दिन से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ इस ब्लॉग को, सोचो तो 3 दिन से काम चल रहा है इस बाइक पर। तो जल्दी से रैप पूरा करते हैं और आपको दिखाते हैं फिर। तो भाई साहब, आप देख सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहे होंगे, आपको कलर नहीं दिखाऊंगा मैं क्या होने वाला, बट बहुत सेक्सी लग रहा है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। चाहूँगा कि काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया हमारा,
आगे वाला पार्ट हो गया, बस आगे की फेयरिंग रह गई है, मतलब फ्रंट रह गया, साइड का एक पैनल रह गया जस्ट, और बैक की रह गई है टेल जो होती है। काम होगा कल, मतलब नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी इस व्लॉग में आपको बस इतना बताना है, बनने के बाद उस पर ग्राफिक्स होंगे, इतना प्यारा लगेगा पूछो मत। बाकी यार नंगी बाइक देख के मुझे बहुत दुख होता है, ऐसे कपड़े उतरे हुए बाइक पे अभी। बाकी आप लोगों को ऐसा कुछ काम करना तो कहाँ आना पता है ना आपको, MS बाइकर्स ड्रॉप द गियर एंड डिसअपीयर के पास, अपोजिट गुरुद्वारा केनाल रोड। भाई मुस्कुरा रहे हैं मैं देख के, इसको तो कोई जानता बंदा वीडियो मार रखा ऑलरेडी। तो यार देख सकते हो यहाँ पे कितना गंद फैल चुका है, जल्दी से साफ करते हैं और चलते हैं अपने घर। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जय श्री राम।